हाय एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो लास्ट जो सेशंस थे उसमें हमने, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करता था क्वेश्चन को, और आज मैंने इस पीपीटी में आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसमें मैंने जो है साथ में एक्सप्लेनेशन को भी लगाया, सो दैट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, होता चले, राइट। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, राइट। स्टेटमेंट सेइंग द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन 5,000 रुपीज। द मैन रिप्लाइड दैट इट डिड, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ही है, मतलब फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, लाइक डिफेंस के आप एग्जाम्स फाइट करोगे, ठीक है, जैसे AF कैट की नोटिफिकेशन आ गई है, तो ये सारे जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, PYQs भी है कुछ इसमें। तो जैसे स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, बोला द जज आस्क्ड द मैन, राइट। तो अब हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि आस्क्ड में चल रहा है, तो पास्ट टेंस है, पास्ट में चल रहा है, तभी आगे जाके यहाँ पे सेकंड हिंट है आपके पास, हैड आ रहा है प्लस लॉस्ट भी आ रहा है, राइट। तो स्टेटमेंट इज गोइंग इन पास्ट टेंस, और लेटर ऑन फिर एक और हिंट दिया है इसने, रिप्लाइड। तो पूरे सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है ये पास्ट टेंस में स्टेटमेंट गोइंग ऑन है, राइट। तो जब भी स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स पास्ट टेंस में बात हो रही है तो आप कहीं पे भी प्रेजेंट टेंस को यूज नहीं कर सकते हो। तो इस सेंटेंस का जो राइट आंसर बनेगा, हैड लॉस्ट के बाद यहां पे जो कंटेन वर्ड लिखा गया है ये यहां पे इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर बना सी, कंटेन को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको कंटेन्ड में, क्योंकि ये एविडेंट हो गया, क्लियर हो गया यहां पे कि स्टेटमेंट, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज गोइंग इन पास्ट टेंस, राइट। सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस दैट वी हैव टू यूज ओवर हेयर पास्ट टेंस। सो इंस्टेड ऑफ कंटेन यहां पे आ जाएगा कंटेन्ड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देखें हम, तो एक्सप्लेनेशन मैंने आंसर भी दे रखा है, सी पार्ट हो गया, और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेते हैं। पर द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, द यूज ऑफ हैड लॉस्ट and replied make it evident, so we can't use contain v1 here, contain will be replaced with contained। तो वही मैंने आपको बताया कि यहां पे जो है हमें replied और had lost से ये evident हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से clear है, ये स्पष्ट है कि this particular sentence is going in past tense, hence we have to modify this particular contain word into contained, क्योंकि कंटेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो स्टेटमेंट अगर प्रेजेंट में होती तब हम वहां पे कंटेन को रखते, बट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज गोइंग इन पास्ट टेंस, सो अकॉर्डिंगली यू पीपल हैव टू यूज बेसिकली कंटेन्ड। तो एरर हमारा था ये सी पार्ट में, तो हमने इसका सी ही एरर किया है, तो सी पार्ट में इसमें गड़बड़ है। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो थोड़े अच्छी अप्रोच के क्वेश्चंस हैं ये, मींस क्योंकि ये पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से मैंने इनको उठाया है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। तो बोला आई ट्रस्ट यू विल शो फोरबियरेंस टू मी अ फ्यू मिनट्स मोर सो दैट आई कैन फिनिश दिस वर्क, राइट। तो इसको ऑप्शन में इसने डिवाइड कर दिया, लाइक ए से लेके ई तक इसको ऑप्शंस में एमसीक्यू टाइप में बना दिया है क्वेश्चन को। तो आपको पता है कि ये कोई भी, जो जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फाइट करते हो स्टूडेंट्स, चाहे आप डिफेंस के एग्जाम्स ले लो, चाहे आप अदर एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स ले लो, तो हर पेपर में आपको एरर के ऊपर क्वेश्चनिंग करता है, राइट। AF कैट में भी आते हैं, CDS में भी आते हैं, NDA के पेपर में भी आते हैं एरर के क्वेश्चंस, राइट। तो बोल रहा है आई ट्रस्ट यू यू विल शो फोरबियरेंस टू मी। अब किसी somebody के लिए जब आप forbearance का मीनिंग होता patience रखना, tolerance we can say, tolerate करना या patience रखना, वो इस forbearance का मीनिंग होता है। तो जब हम किसी person के लिए बोलते हैं तो forbearance के साथ preposition to नहीं आती, तो यहां पे आना चाहिए forbearance towards, राइट। सो इंस्टेड ऑफ फोरबियरेंस टू इट शुड बी फोरबियरेंस टूवर्ड्स होना चाहिए यहां पे, क्योंकि हम somebody के लिए किसी person को बोल रहे हैं, ठीक है, कि मुझे विश्वास है तो तुम जो है दिखाओगे फोरबियरेंस, पेशेंस को दिखाओगे कुछ मिनट्स के लिए, राइट, मोर सो दैट आई कैन फिनिश दिस वर्क, ताकि जो है मैं इस काम को जो है कंप्लीट कर सकूं। तो सो दैट पर्पज को बताता है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप, बोरा इन प्लेस ऑफ फोरबियरेंस टू We should use forbearance towards. तो हमें यहां पे यूज करना चाहिए बोल रहा है forbearance towards, क्योंकि forbearance noun है, इसकी parts of speech noun है, और इसका मतलब होता है patient। मैंने आपको बता दिया patience को रखना, self control को रखना,
टॉलरेट करना, टॉलरेंस को रखना, राइट right? तो ये इसका एज ए नाउन मीनिंग होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, चाहे आप फिर फर्दर क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन बनाते हो, चाहे आप फिर सिंगल और डबल फिलर्स के क्वेश्चन करते हो, राइट right? तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड नाउन का रूप रोल प्ले कर रहा है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है. कोई भी वर्ड एबल पे खत्म हो रहा है तो एडजेक्टिव होगा, जैसे फेवरेबल होता है तो फेवरेबल एडजेक्टिव है, फेवरेबली करोगे तो एडवर्ब हो जाएगा. तो ये नॉलेज बड़ा मस्ट होता है क्योंकि क्लोज टेस्ट में भी ग्रामर वाली ऑप्शंस आपको मिलती हैं वहां पे, राइट right? तो ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. तो इसका मीनिंग बोल रहा है, तो जब आगे बोल रहा है शो फॉरबियरेंस टुवर्ड्स समबडी, मैंने आपको बता दिया कि जब हम किसी पर्सन के लिए बोलते हैं ना, तो फिर आपको ये बोलना चाह रहा है यहाँ एक्सप्लेनेशन में कि फॉरबियरेंस टूवर्ड्स वहां पे लगाया जाता है. जब समबडी की बात की जाती है वहां पे फॉरबियरेंस टू नहीं आता, राइट. एक्सरसाइज फॉरबियरेंस इन डीलिंग विद पीपल, ये भी फिर इसने लिखा हुआ है. तो आपको सिंपली यहां पर यही याद रखना है कि फॉरबियरेंस टू गलत है, फॉरबियरेंस टूवर्ड्स समबडी होता है, राइट right? और फोरबियरेंस एज ए नाउन हमें क्या मीनिंग देता है, पेशेंस रखना, सेल्फ कंट्रोल, टॉलरेंस को रखना, राइट. कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बोला द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज अबाउंडिंग विद फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड इज सॉफ्ट एंड मार्शी, राइट right? तो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, राइट right? तो ये एक फ्रेजल वर्ब होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आपने. कभी भी आप जो है अबाउंड के साथ अबाउंड आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते इसकी, क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है. सो इट इज नॉट अबाउंडिंग विद, इट शुड बी अबाउंड विद, राइट. द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज अबाउंड विद, अबाउंड विद भी हो सकता है, अबाउंडेड विद भी हो सकता है. इसकी सेकंड फॉर्म आप लगा सकते हो, बट आप इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते बिकॉज दिस इज अ फ्रेजल वर्ब. इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है. तो इसका आप देख सकते हैं सॉल्यूशन क्या बता रहा है, देख लेते हैं. बोला इन प्लेस ऑफ अबाउंडिंग विद वी शुड यूज अबाउंड विद बिकॉज अबाउंड विद इज अ फ्रेज दैट मीन्स कंटेन्ड या फुल ऑफ. सो आई टोल्ड यू कि अबाउंड विद का मीनिंग फुल ऑफ होता है, ठीक है. जैसे मैं बोलूंगा द रिवर इज अबाउंड विद फिश, मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज, राइट, फिश, क्लियर. तो यहां पे अबाउंड विद होगा, अबाउंडिंग विद बिल्कुल गलत होगा. एक एग्जांपल यहां पे और भी दे रखा है, असम फॉरेस्ट्स. अब मैंने बता दिया इसकी पास्ट फॉर्म आप लगा सकते हो, इट कैन बी अबाउंडेड विद ऑल्सो, अबाउंडेड विद करेक्ट होगा, बट अबाउंडिंग विद रॉन्ग होता है, वाइल्ड एनिमल्स. तो बोला जा रहा है कि आसाम के जो जंगल है वो वाइल्ड एनिमल्स से जो है फुल ऑफ है, भरे हुए हैं, कंटेन्ड है, ये इसका मीनिंग होता है. कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. तो फोर्थ क्वेश्चन लंबी स्टेटमेंट है, वी आर ऑल शॉर्ट साइटेड, ठीक है, वी आर ऑल शॉर्ट साइटेड एंड वेरी ऑफन सी बट वन साइड ऑफ द मैटर, कि मतलब हम ना थोड़ी कम वो रखते हैं, शॉर्ट साइटेड होते हैं, कम सोच रखते हैं, और बहुत अक्सर हम क्या करते हैं, एक पहलू की तरफ ही हम देखते रहते हैं, राइट. आर व्यूज आर नॉट एक्सटेंडेड, हमारे जो विचार हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाते, इतने ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाते, राइट, एनलार्ज नहीं हो पाते टू ऑल दैट हैज अ कनेक्शन विद इट, राइट. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रनाउन जो इट यहां पे लगा रहा है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है, राइट right? तो इसका आई थिंक डी पार्ट गलत बनेगा क्योंकि ये अवर व्यूज के लिए ये इट यहां पे लगा रहा है, ठीक है. तो यहां पे आना चाहिए आर व्यूज आर नॉट एक्सटेंडेड टू ऑल दैट हैज अ कनेक्शन विद देम, राइट. तो आई थिंक ये इट को, इट का यूज यहां पे गलत किया जा रहा है, इसकी जगह देम लगना चाहिए, ठीक है. इसका डी पार्ट रॉन्ग बनेगा स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ इट इट शुड बी देम. बट टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल वी शुड यूज देम इन प्लेस ऑफ इट, तो देम आना चाहिए इट की जगह पे. तो ये इसका सॉल्यूशन है, ध्यान रखना आपने, ये प्रनाउन के ऊपर क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर फाइव हो रहा है, जस्ट लॉज आर नो रिस्ट्रेंट विद द फ्रीडम ऑफ द गुड, फॉर द गुड मैन डिजायर्स नथिंग विच अ जस्ट लॉ इंटरफेयर विद, राइट. अब देखो हम यहां कंफ्यूजन है, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं तो आपको सोचना पड़ेगा. यहां पे तो जस्ट लॉज दे रहा है, राइट, यहां पे लॉज दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब प्लूरल लगा रहा है, लेकिन आगे जाके अगर हम देखें तो विच के बाद यहां पे अ जस्ट लॉ दे रहा है, मतलब ये जो लॉ है इसके लिए डिटर्मिनर इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, अ जस्ट लॉ, जो कि सिंगुलर है, राइट. तो सिंगुलर है तो आपका आंसर बनना चाहिए यहां पे डी,
ये जो इंटरफेयर लगा रहा है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इंटरफेयर्स करना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो आपको देयर यू पीपल हैव टू यूज एस और यस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो यहाँ पे इंटरफेयर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, जस्ट लॉ इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो इंटरफेयर विल बी रिप्लेस्ड विद इंटरफेयर्स, द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आई टोल्ड यू कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वहां पे आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फिफ्थ का आंसर बना हमारा डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्लॉज का क्वेश्चन है, हैड ही डन हिज होमवर्क वेल ही वुड नॉट हैव सफर्ड दिस एम्बेरसमेंट, कि अगर उसने अपना होमवर्क अच्छे से किया होता तो उसको ये शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। तो ये क्लोज्ड कंडीशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, राइट, कि अगर उसने किया होता, अंडरस्टूड मीनिंग है कि ना तो उसने अपना होमवर्क अच्छे तरह से किया और ना ही उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, राइट, लेकिन हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं इस चीज को, राइट। तो हैड के साथ स्टूडेंट्स ट्रिक किसका यही है कि जब भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट, तो आगे जाके मॉडल के साथ आपको यही लगाना पड़ेगा, वुड उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव प्लस बी थ्री। तो ये ट्रिक होता है बेसिकली, दिस इज द योर सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज एंड दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, राइट, और दो क्लॉज का क्वेश्चन है, ट्रिक इसमें सही लग रहा है, हैड के साथ डन आ रहा है और आगे जाके वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इस क्वेश्चन में हमारा बनेगा नो एरर। अब कई बच्चों को ये डाउट रहता है, कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ इफ ही हैड डन होगा, वो भी है, वो भी अप्लाई होता है, इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव मेट हिम, Had you gone there, you would have met him. ये दो ट्रिक हैं, ध्यान रखना, if के साथ भी चलता है ये ट्रिक और ये had के साथ V3 लगा के भी यूज किया जाता है, तो both are correct. Remember, आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए कि ये रूल ऐसे चलता है। तो इसका नो एरर बता रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन का नो एरर है। क्वेश्चन नंबर सेवन का देखें, सेवन्थ क्वेश्चन, He was angry with me because he thought my remark was aimed before him. Right? Simple question है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, राइट, सेंटेंस को पढ़ते ही आपको एकदम क्लिक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये आपकी कमांड है, ठीक है, कि किस चैप्टर से रिलेटेड ये एरर हो सकता है, ठीक है। अब मैंने स्टेटमेंट को रीड करा तो मुझे एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है जो कि है एम्ड। अब एम्ड के साथ स्टूडेंट्स कभी भी बिफोर नहीं लगाया जाता, एम्ड के साथ आती है प्रेपोजिशन एट, तो आंसर बनेगा हमारा डी। जैसे हमें पता है अकॉर्डिंग टू होता है, अकॉर्डिंग विद होता है, राइट, तो सिमिलरली जो एम्ड वर्ड होता है एम के साथ आट लगाया जाता है, राइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बोले वी यूज एम एट एंड नॉट एम बिफोर, एम एट इज अ फ्रेज दैट शुड बी यूज्ड ओवर हियर, राइट। तो कुछ फ्रेजल वर्ब को भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे अबाउंड विद था, अबाउंडेड विद, वो भी एक फ्रेजल वर्ब है, सिमिलरली एम एट इज अ फ्रेजल वर्ब, आप फिक्स है यहां पर एम एट ही होता है, एम बिफोर कभी नहीं होता, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर एट, As you know, by my visiting card, I am now in Mumbai, right? तो as you know, as और because जो होते हैं, as है, because है, since है, ये conjunction of reason होते हैं। Since time को भी denote करता है, जब हम tense पढ़ते हैं तो since morning, since evening, वहाँ पे तो time को denote करता है, but since, as और because ये conjunction का काम भी करते हैं। तो as यहाँ पे जो है, as you know by my visiting card, I am now in Mumbai, right? तो क्योंकि तुम, जैसे कि तुम जानते हो, जैसे कि तुम्हें पता है, मेरे विजिटर विजिटिंग जो कार्ड है मेरा, बंदा कोई बोल रहा है, I am now in Mumbai. तो I think इस question में कोई problem नहीं होना चाहिए, this statement is absolutely correct. तो देख लेते हैं, इसका नो एरर बता रहा है, एट्थ क्वेश्चन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइन्थ, नाइन्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो, बोरा विद अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट द स्कूल कैन लुक मच नाइस, राइट। तो लुक मच नाइस यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है, यहां पे होना चाहिए लुक वेरी नाइस, इट शुड बी वेरी नाइस। ये थोड़ा एडवर्ब का कॉन्सेप्ट है, देखते हैं, इसमें मैंने एग्जांपल भी डाले हैं दो तीन, राइट। बोले लुक मच नाइस शुड बी रिप्लेस्ड विद लुक वेरी नाइस, आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इट शुड बी नोटेड दैट वेरी इज यूज्ड टू मॉडिफाई एडजेक्टिव,
राइट ये जो वेरी होता है स्टूडेंट्स ये एडवर्ब होती है राइट वेरी इज अ एडवर्ब और ये बेसिकली क्या करती है किसको डिस्क्राइब करती है किसके एक्शन को डिस्क्राइब करती है वेरी ये करेगी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब राइट वेरी इज अ एडवर्ब और इट डिस्क्राइब्स द एक्शन इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए मैंने पिछली वीडियोस में भी स्पॉटिंग एरर्स में एक दो क्वेश्चन करवाए थे कि जो पास्ट पार्टिसिपल होती है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है V4 उनको आप एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हो जैसे हम बोलते हैं वेल ओरिएंटेड कोर्स तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था तो यहाँ पे जो यूज कर रहा है ये बेसिकली वेरी इज यूज टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स यूज एज एडजेक्टिव्स जैसे बोल रहा है आई एम वेरी हंग्री एडजेक्टिव I am very interested, right? तो interested यहाँ पे past participle है in music. तो यहाँ पे participle use कर रहा है यहाँ पे adjective use कर रहा है तो जैसे आपने आप very के बाद hungry word को as adjective use किया तो आप यहाँ पे I am very के बाद जो है interested जो interest की जो third form है जो past participle है उसको आप adjective बना के use कर रहे हो यहाँ पे I am very interested in music, right? Similarly वहाँ पे much nice, look much nice की जगह हो जाएगा look very nice. राइट तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 10th पे मूव करते हैं आई आस्क द सेल्समैन इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर वन एक बात ध्यान रखना ये जो अनदर होता है राइट ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है अनदर इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन राइट और इसके साथ ये जो वन का यूज होता है ये गलत माना जाता है Another के साथ आप वन नहीं लगा सकते राइट ये सुपरफ्लूस माना जाता है स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन और भी बताया जैसे एंग्री मॉब मॉब के साथ एंग्री सुपरफ्लूस होता है बिग ब्लंडर ब्लंडर के साथ बिग सुपरफ्लूस होता है सिमिलरली अनदर के साथ कभी भी वन नहीं आता एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं बोला अनदर इज एन इंडेफिनेट डिटर्मिनर सॉरी इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं इंडेफिनेट डिटर्मिनर माना जाता है ठीक है अनदर मतलब एन प्लस अदर Another जो combination है वो एन प्लस अदर होता है राइट तो इंडेफिनेट डिटर्मिनर होता है जिसका मतलब होता है एडिशनल पर्सन और थिंग मतलब कोई दूसरा बंदा एडिशन बताता है ये डिटर्मिनर और इसलिए इसके साथ जो वन का यूज होता है वो इसके बाद सुपरफ्लूस माना जाता है तो अनदर वन नहीं होता गलत है क्वेश्चन नंबर 11th इट टुक मी ऑलमोस्ट आवर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आर्टिकल का क्वेश्चन है जैसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन अगर मैं ऐसे बोलता हूं ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें पता है जो एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं उनसे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है एन क्योंकि एच यहां पे साइलेंट होता है ठीक है तो हम कभी भी इसको ह प्रोनाउंशिएट नहीं करते तो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन यहां पे प्रोनाउंसिएशन जाएगी वाउल है तो एन आएगा एच फैमिली से पहले एन आता है तो हमारा आंसर बनना चाहिए बी राइट इट शुड बी इट टुक मी ऑलमोस्ट एन आर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आप इसकी सॉल्यूशन पढ़ लें ऑलमोस्ट आर शुड बी रिप्लेस्ड विद ऑलमोस्ट एन आर बिकॉज एच ऑफ आर इज प्रोनाउंस्ड विद वाउल साउंड तो एज आई टोल्ड यू कि उसमें एच साइलेंट होता है तो ये डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं ऑनेस्ट है आर है ऑनर है ऑनरेबल है और भी इस लिस्ट में वर्ड्स आते हैं जैसे राम इज ऑनेस्ट मैन रॉन्ग है राम इज एन यहाँ पे एंड लिखा है थोड़ी मिस्टेक है एन ऑनेस्ट मैन होगा दिस इज द करेक्ट आंसर कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th अच्छा क्वेश्चन है प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है शी इंसिस्ट्स यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम राइट अब अंटिल के साथ अगली जो क्लॉज है मतलब कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज लिखी होती है दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज राइट तो शी इंसिस्ट्स अब ये जो इंसिस्ट वर्ड है राइट इसके साथ प्रेपोजिशन ऑन आती है फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन लेता है इंसिस्ट राइट प्रिवेल के साथ भी ऑन आता है इन दोनों शब्दों के साथ प्रेपोजिशन ऑन को लगाया जाता है और इन दोनों का मतलब होता है बेसिकली फोर्स करना किसी को फोर्स करना जैसे मैं लूंगा ही ट्राइड अ लॉट बट कुडंट प्रिवेल ऑन हिम ठीक है ही ट्राइड अ लॉट बट कुडंट प्रिवेल ऑन मी मतलब उसने बहुत कोशिश करी बट वो मुझे फोर्स नहीं कर पाया राइट तो शी इंसिस्ट यू स्टे ये गलत है यहां पे होना चाहिए शी इंसिस्ट You on staying,
जब आप प्रेपोजिशन लगाओगे स्टूडेंट्स तो आपको वहां पे फिर जेरंड फॉर्म लगानी पड़ेगी उसके बाद, तो आई थिंक ये ऐसे बनेगा, शी इंसिस्ट्स यू ऑन स्टेइंग अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, देखो दिया है, यू स्टे शुड बी रिप्लेस्ड विद यू ऑन स्टेइंग। जब आप ऑन प्रेपोजिशन को लगाओगे यू के बाद तो आफ्टर दैट यू हैव टू यूज जेरंड फॉर्म, राइट। तो फिर प्रेपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो नाउन का काम करता है यहां पे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली वो नाउन और प्रोनाउन ही होता है, राइट। तो ये आपका जेरंड फॉर्म होता है बिकॉज इंसिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन ऑन। एक और एग्जाम्पल भी मैंने यहां डाला है, शी विल इंसिस्ट ऑन गेटिंग अप, ठीक है। तो इंसिस्ट ऑन यहां तो इकट्ठे लग रहा है, तो यहां पे गेटिंग अप हमारा जो है ये आ गया जेरंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैड, राइट। तो सो बैड आई थिंक यहां पे रॉन्ग है, यहां पे होना चाहिए सो बैडली। यहां पे सो जो है बेसिकली हमारी एडवर्ब है और बैड यहां पे एडजेक्टिव है, तो आपको बेसिकली यहां पे लगाना पड़ेगा, सॉरी बैड नाउन है और हमें इसका एडजेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा यहां सो बैडली। अब ये थोड़ा क्रैम मत करना क्योंकि एडवर्ब में क्या होता है मोस्टली एलवाई लगता है, तो बच्चे सोचते हैं कि जो एलवाई वाला वर्ड कहीं पे भी आ गया वो एडजेक्टिव है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप किसी नाउन में एलवाई लगाते हो तो वो एडजेक्टिव बनता है, जब आप किसी नाउन में एलवाई एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हो फिर वो एडवर्ब बनता है। जैसे हमने मैन लिखा, मैन एक नाउन है, हर चैप्टर का अपना एक एट्रीब्यूट है, जैसे आपको पता है मैन इज अ नाउन फॉर्म, राइट। मैन का प्लूरल बन सकता है, मैन की डिग्री नहीं बन सकती, तो सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो एट्रीब्यूट है वो नाउन का होता है, जेंडर का जो एट्रीब्यूट है वो नाउन का होता है, नाउन केसेस का जो एट्रीब्यूट है वो नाउन का होता है, राइट। तो मैन का आप प्लूरल बना सकते हो, मैन का प्लूरल बनेगा सिर्फ मैन। तो यहां से मुझे पता लग गया कि मैन इज अ नाउन फॉर्म, राइट। तो जब आप इस मैन में इस नाउन में एलवाई जोड़ोगे तो ये बन जाएगा हमारे सामने वर्ड मैनली, राइट। अब ऐसा थोड़ी है कि एलवाई आ रहा है तो आप इसको एडवर्ब मानोगे, नाउन में जब एलवाई लगता है तो ये बना हमारा एडजेक्टिव फॉर्म, दिस इज द एडजेक्टिव, राइट। जैसे फ्रेंड इज अ नाउन, फ्रेंडली इज अ एडजेक्टिव, क्लियर। तो फिर अगर इसकी एडवर्ब बनानी हो तो आगे जाके मैनली बन जाता है इन अ मैनली मैनर, फ्रेंड फ्रेंडली इन अ फ्रेंडली मैनर, तो वो एडवर्ब फॉर्म होती है। फिर आगे चार पांच वर्ड है, ये ध्यान रखना, इसमें मैन है, फ्रेंड है, ठीक है, कावर्ड है, निगार्ड है, इनकी फॉर्मेशन ऐसे बताई है बुक्स में, ठीक है। जैसे कावर्ड है, कावर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म कावर्डली हो जाएगा, उसका एडवर्ब फॉर्म है इन अ कावर्डली मैनर हो जाएगा, राइट। निगार्ड, कंजूस को ही बोलते हैं, माइजर का सिमिलर होता है। सो निगार्ड इज अ नाउन फॉर्म, निगार्डली इज अ एडजेक्टिव फॉर्म, इन अ निगार्डली मैनर दैट इज अ एडवर्ब फॉर्म, राइट। तो यहां पे आपको जो है बैड नाउन है, बैडली यहां पे आपको एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो एडवर्ब होती है वो आपका वर्ब को डिस्क्राइब कर सकती है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकती है, कंजंक्शन को डिस्क्राइब कर सकती है, प्रेपोजिशन को भी डिस्क्राइब कर सकती है, बट कभी भी एडवर्ब नाउन को डिस्क्राइब नहीं करती, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का फंक्शन होता है एडजेक्टिव का। आपको पता है जो विशेषण होता है, जो आपका विशेषण होता है एडजेक्टिव होता है, वो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रनाउन को, राइट। तो यहां पे सो बैडली होगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो बैड शुड बी रिप्लेस विद सो बैडली, बैड इज एन एडजेक्टिव एंड इट इज इट्स एडवर्बियल फॉर्म इज बैडली, राइट। तो एडजेक्टिव नहीं, बेसिकली बैड आपका जो है वो डिसक्वालिटी ही बता रहा है, ठीक है। तो इसकी एडवर्बियल फॉर्म जो है फिर बन जाएगी बैडली। तो यहां पे जैसे बोल रहा है द एक्सीडेंट डैमेज्ड हिज कार बैड, तो ये गलत हो जाएगा, द एक्सीडेंट डैमेज्ड हिज कार बैडली, करेक्ट फॉर्म में बन गया बैडली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एट एनी अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, राइट। एट एनी अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें जरा इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, एट एनी अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, तो डायरेक्ट इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, ठीक है, नोवर बता रहा है एट एनी अराइवल इन दिल्ली। वैसे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है कि कहीं यहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है, एट एनी अराइवल इन दिल्ली, बट कई बार ना माइनर मिस्टेक्स भी हो तो वो इग्नोर भी की जाती हैं। अगर हम थोड़ा टीयर टू लेवल पे जाएं, एसएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है जिसमें हल्की फुल्की कोई माइनर मिस्टेक होगी, राइट, लेकिन वो फिर नो एरर में ही कंसीडर करता है, उसको मेंटल एबिलिटी चेक करता है बच्चे की। सो एट एनी अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट
टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, इसमें नोएरा बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स। बोल रहा है इट इज मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है मोर बेटर तो होता नहीं है, बेटर इट्सेल्फ ही कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो डबल कंपैरेटिव का यूज करना चाह रहा है, बेटर के साथ कभी मोर थोड़ी लगाओगे आप, गुड बेटर बेस्ट होता है, बेटर इट्सेल्फ ही कंपैरेटिव डिग्री होती है, राइट। तो इसके साथ मोर का यूज यहां पे गलत बन जाएगा, डबल कंपैरेटिव लगा रहा है, रॉन्ग हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए इट इज मोर बेटर शुड बी रिप्लेस्ड विद इट इज बेटर, द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव इज रॉन्ग। आप बेटर के साथ मोर कभी लगा ही नहीं सकते, ही इज मोर बेटर देन राम, रॉन्ग है। He is better than Ram, correct है, right? He is much better than Ram, ये भी correct है, right? तो better के साथ comparative degree के साथ आप much लगा सकते हो, ठीक है? Much better होता है, ठीक है? तो much better is correct. Question number 16, these rewards have deterred. बड़ा अच्छा सा word है यहाँ पे, एक preposition का concept है 16th question में। बोल रहा है these reports have deterred some women to have the operation, no error. राइट तो आपको यहां पे स्टूडेंट्स फिक्स्ड प्रेपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेपोजिशन, और अगर उस पर थोड़ी सी आपकी पकड़ बन जाए तो आपके मार्क्स थोड़े बनने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे, राइट। सो डेटर्ड के साथ एक्चुअली प्रेपोजिशन फ्रॉम लगती है, तो आई थिंक इसका एरर होना चाहिए बी। ठीक है जी, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है द वर्ड डेटर इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन फ्रॉम, देयरफॉर वुमेन फ्रॉम हैविंग इज द करेक्ट यूज। वुमेन फ्रॉम हैविंग बोल रहा है यहां पे, ठीक है? तो बी नहीं बता रहा है, सी बता रहा है, डेटर्ड सम वुमेन फ्रॉम हैविंग, तो बी नहीं बनेगा स्टूडेंट्स इसका आंसर, इसका आंसर जाएगा हमारा सी। ठीक है, मतलब थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो यहां पे सी पार्ट में आ रहा बनेगा, और डेटर्ड सम वुमेन के बाद यहां पे इसको टू को हटाएंगे, तो यहां पे फ्रॉम को लगा देंगे, और फ्रॉम के बाद हमें लगानी पड़ेगी यहां जेरंड फॉर्म, राइट। तो फ्रॉम हैविंग द ऑपरेशन, नो एरर। These reports have deterred some women from having the operation. Solution ऐसे बनेगा। Example बोला, what is the best way to deter young people from taking up smoking? Right? So what is the best way to deter young people from taking up smoking? यहाँ पे भी from लगा रहा है और gerund form लगा रहा है, ठीक है? और deter यहाँ पे लग रहा है। तो from आगे जाके implement होता है, implementation ही main है कि कहाँ पे error बनेगा, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आई answered द questions एज बेस्ट एज आई कुड, आई answered द questions एज बेस्ट एज आई कुड। इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, एज बेस्ट आई कुड होगा, एज बेस्ट एज यहां पे मत लगाएं, सी गलत बनेगा आई थिंक इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, बोला एज बेस्ट एज शुड बी रिप्लेस्ड विद एज बेस्ट। द idiom एज बेस्ट मीन्स वन कैन, means not perfectly but as well as one is able to do something, right? तो as best as हम जब comparison करते हैं तो हम वहां पे as good as बोलते हैं, वहां पे superlative degree नहीं आती कभी भी। लेकिन as best एक मुहावरा है, आपको याद रखना as best is an idiomatic expression, इसमें as best as मत करें, right? As good as होता है, Ram is as good as his father। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स तो हम वहां पे कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते एडजेक्टिव की, हम वहां बोलते हैं ही इज एज फास्ट एज हिज ब्रदर, राइट। तो ना तो हम यहां फास्टर बोलते हैं, ना ही हम यहां पे फास्टेस्ट बोलते हैं। तो व्हेन वी कंपेयर देयर यू हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, राइट। बट हेयर हम इडियम का यूज कर रहे हैं एज बेस्ट, मतलब इसका मतलब एज बेस्ट मतलब वन कैन, एज बेस्ट वन कैन मीन्स नॉट परफेक्टली बट एज वेल एज वन इज एबल टू, मतलब सारे नहीं लेकिन उनमें से कोई एक, राइट। जैसे मैं बोलूंगा राजा राम मोहन रॉय ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल एबिल्स एज बेस्ट ही कुड, एज बेस्ट ही कुड, तो एज बेस्ट एज वहां पे गलत हो जाएगा, राइट। चलिए 18 देखते हैं, सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, अब सम ऑफ लगा रहा है, सम ऑफ है वन ऑफ है, तो इसके साथ तो नाउन आपका प्लूरल जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है यहां पे आपको पोजेसिव केस लगाना पड़ेगा, सम ऑफ द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स यहां पे अपोस्ट्रोफी वाला आएगा, सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर ड्राइंग अप दस थ्रेटनिंग द लाइफ लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स सम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, शुड बी रिप्लेस्ड बाय सम ऑफ द वर्ल्ड्स, सम ऑफ द वर्ल्ड्स ध्यान रखना। हेयर पोजेसिव केस शुड बी यूज्ड टू मेक द सेंटेंस करेक्ट, तो पोजेशन को दिखाने के लिए हमें यहां पे अपोस्ट्रोफियस को लगाना पड़ेगा, राइट। और अपोस्ट्रोफियस तभी लगाते हैं जब हम किसी चीज पे पोजेशन दिखाते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19,
among the many challenges facing the country in the next decade is poverty and unemployment. अब ये थोड़ा वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन होता है, कई बार हमें सब्जेक्ट ही नहीं समझ आता कहां पे है सब्जेक्ट. तो देखो जो पावर्टी एंड लग गया, एंड एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही फेथफुल चैप्टर होता है, कभी भी गद्दारी नहीं करेगा, हमेशा आपका साथ देगा. आपको एंड से पहले देखो पावर्टी लगा रहा है और यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट लगा रहा है, सेम रैंक के वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है. राइट, एंड लगने से सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो फिर इज थोड़ी आएगा. इसको ड्रॉप करें, यहां पे लिखें आर आना चाहिए, इट शुड बी आर. तो सब्जेक्ट हमारा पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है. यहां पे सॉल्यूशन देख लें स्टूडेंट्स, चैलेंजेस आर टू, दो चैलेंजेस की बात कर रहा है, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हेंस इन प्लूरल नंबर. राइट, सो हेंस आर पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल बी अ करेक्ट सेंटेंस. मतलब हेंस यहां पे बोल रहा है कि इज की जगह पे आर आएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है चैलेंजेस दो की बात कर रहा है और वही उसी को सब्जेक्ट कंसीडर कर रहा है, तो डी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 20th, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट नॉट मोर देन 5% ऑफ एजुकेशन लोन्स टेकन बाय स्टूडेंट्स आर ओवरड्यू. ठीक है, तो दोबारा से ये थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर है कि सब्जेक्ट कहां पे है. ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको यहां पे वर्ब पे हिट मारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट्स नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन 5%, मोर देन 5% बोल रहा है. ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर आर की जगह इज होएगा शायद, नहीं, एजुकेशन बोल रहा है. हेयर लोन्स इज नाउन, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन, हेंस यूज एजुकेशनल एडजेक्टिव इन प्लेस ऑफ द वर्ड एजुकेशन. तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव को लिखना पड़ेगा, एजुकेशनल वर्ड को लिखना पड़ेगा. एजुकेशन भी नाउन है, नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो यहां पे आएगा हमारा एजुकेशनल. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट्स नॉट मोर देन 5% ऑफ एजुकेशन लोन्स, ये जो लोन्स है ये नाउन है बोल रहा है, और नाउन को जो डिस्क्राइब करती है वो बेसिकली जो डिस्क्राइब करता है वो होता है, जो उसकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताता है वो होता है एडजेक्टिव. तो एजुकेशन भी नाउन है, इसको आप एजुकेशनल में ले जाएं तो आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे सी. तो देख सकते हो आप इसमें सी बता रहा है, ठीक है, और सी में लोन्स को क्वालिफाई करने के लिए हमें वहां पे एक एडजेक्टिव की जरूरत है, तो एजुकेशनल जो है एडजेक्टिव होता है, एजुकेशन जो है आपका नाउन होता है. राइट, तो आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है. ठीक है, तो मेरी फर्दर यही कोशिश है कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा फर्दर वीडियोज़ में, तो वो मैं सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने जो है वो रिप्रेजेंट करूँगा. तो आज की इस सेशन में इतना रहेगा स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.